Wait, hey. Oh boy. पिछले एपिसोड में तो बहुत ही भारी गलती हो गई साहब, जब मैं सांप दिखा, सांप सांप सांप। लास्ट एपिसोड में अभी जब मैं अपलोड कर रहा था वीडियो, तब ध्यान दिया था मैंने, वहां पे एक मार्किंग भी लगा दूंगा मैं बताने के लिए, आपने नोटिस वो तो वीडियो देख भी लिया होगा, अब तक पब्लिश हो गया होगा ये वीडियो, बहुत पहले रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन हाँ, मैंने नोटिस कर लिया था कि मैं एक चीज़ मिस कर दिया वहाँ पे, और नाइट विजन वाला मुझे मालूम नहीं था कि दोबारा फिर से मिलेगा एक ही चीज़ मुझे। यार जो आप देख रहे हो यहाँ राइट साइड में, राइट में जो मिसिंग है वो आइटम दोबारा मुझे मिला था जो मैंने सामने होते हुए। अब लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते कि छूट कैसे जाता है। एक्चुअली छूटने का रीज़न है क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पे, सेंसेस आपके दो तरह से काम कर रहे होते हैं, और ये मैंने आपको पहले समझाया भी था जब कमेंट्री करते वक्त, कई बार चीज़ें सामने होते हुए दिखाई नहीं देती है बिकॉज आपका पूरा फोकस होता है इस चीज़ पर कि आपको बोलना क्या है उस जगह पर, या फिर आप जो बोल रहे होते हो, जो फ्लो पकड़े होते हो उसको पकड़ के आप आगे बढ़ते रहते हो, आपका दिमाग पूरी तरह वहाँ काम कर रहा होता है। तो कई बार सामने लिखी हुई चीज़ें दिख रही है छूट जाती हैं, जो ऑडियंस को लगता है कि कैसे हो गया, तो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप चुपचाप गेम खेल रहे होते हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान फिर खेलने पर होगा, बोलने पर नहीं होगा। बोलते वक्त चीज़ें छूटती हैं क्योंकि आप पूरी तरह फोकस नहीं होते हो। लेट मी ट्राई कि अगर मैं इसे मार दूँ तो एटलीस्ट कुछ मिल जाएगा। इस गन को ट्राई करते अगर अपग्रेड कर पाए थोड़ा बहुत, तो अपग्रेड करने के बाद आगे बढ़ेंगे राइट, कि इस पर कुछ लग जाए तो मैं एक बार देख लेता हूँ, लग गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ये गन है, वैसे मैंने आई थिंक लगाया था इसे पहले ही कुछ। नहीं, ओके डैमेज जो, हाँ ठीक है इसको लगा लो। वैसे इसको थोड़ा सा क्लीन करना होगा, नहीं आयरन साइट के अलावा नाइट विजन और रिफ्लेक्स लगा लेते हैं। नो मैगजीन, सिंगल कॉलम मैगजीन, बढ़िया ठीक है। 6 गोलियां इसमें ना, अब आगे निकलते हैं। ये कहाँ पे फिस फिस कर रहा है, खैर चलिए निकलते हैं यहां से। सो कहानी ये थी कि, जरा मैं देख लूं फिर आपसे बात करता हूं। ओके हाँ, अलियो साहब ऑलरेडी वहाँ से भाग चुका है और वो नियर बाई चर्च के, जो चर्च है नियर बाई वहाँ कहीं आसपास है, और आई होप कि अभी भी वहाँ पे होगा, अगर वो होगा तो हमसे मुलाकात वहीं पे हो सकती है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, एंड माय डियर दमदार किंग्समैन, आप देख रहे हैं मेट्रो एक्सोडस का अगला एपिसोड, जहाँ पे जंगल में सांप बहुत सारे हैं। आय हाय हाय हाय, खैर बिना समय वेस्ट किए हम चलते हैं वहां पे चर्च के पास। ये वो जगह नहीं है जहां मुझे जाना था, ना 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 ना, वो जगह, एक सेकंड जरा मैप पे देखता हूं ना कि वो है कहां पे। इस साइड ही है, मतलब रास्ता यहीं से होके जाएगा, बट मैं सोच रहा हूँ ये लोकेशन काफी प्यारी लग रही है, तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, क्या बोलते हो आप? Oh wow, hello there. अरे हाँ, चीज मैंने किया नहीं ना यहाँ पे यार, ये वाला जो हम हर बारी करते हैं कि ये तो छूट गया था, उसको जो गया सो जान दो, जो रही सुराख। ऑलराइट, मैं ये कह रहा था कि यहां पे एक ऐसा ये ले लेते हैं, और एक इस वाले गन के साथ भी। गन चेंज क्यों नहीं हो रहा? ओह, ये हमारी स्पेशल वेपन है यार, वो उस चली गई वो वाली, मतलब वो बाद में मिलेगी शायद, बिकॉज यहाँ पे जब मैं टिक कर रहा हूँ स्पेशल वेपन के लिए तो मेरे पास एक ये है, दूसरी वाली कोई और है नहीं, और जब मैं इसको अपना चूज कर रहा हूँ स्पेशल वाली वेपन, तब इसमें ये आ रहा है, नॉर्मल वाली वो है, इसका मतलब ये है जो यहाँ पे हम लगातार यूज करेंगे स्पेशल कंडीशन में। खैर यहाँ इसको ऐसा कर लेते हैं, चलो चलते हैं।
कोई बैठा है क्या यहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है? एक मिनट मैप देखते हैं, बिकॉज मैप पे कुछ लोकेशंस मार्क हुए हैं। मार्क हो भी गया, मार्क होके हट भी गए, मतलब ऑलरेडी मैं वहां से जो चीजें था ले चुका हूँ। देख रहे हो आप वहां पे? हाँ ये थी, अच्छा है यार, मतलब ऑलरेडी वहां से गुजर चुके हैं और वहां पे जो चीजें थी वो ले चुके हैं। खैर ये तो बात हुई उन लोकेशंस के बारे में। ये वो जगह है जो जहां पे जिंदा इंसान आना नहीं चाहता और जो ऑलरेडी यहां पे है वो कभी यहां से निकल के बाहर जा नहीं सकता। अटल सत्य जिसे कहते हैं। एक सेकंड मैं यहां पे एक बार मार्किंग देख लेता हूं, बिकॉज हो सकता है कि यहां भी हमारे पास हमारे लिए कुछ हो ना। तो यहां भी चीजें हैं कुछ यार, मैं एक बार घुमाता हूं, चक्कर सा आ रहा है ऐसे तो। चलो हटा हटा हटा, ओके मैप के अकॉर्डिंग यहां कुछ होना चाहिए उस तरफ, बट वो एरिया है कौन सा, वहां मैं जाने वाला हूं या नहीं पता नहीं। शायद एलोसा से मिलना हो तो मैं वहां जाऊं, और जहां तक बात इस एरिया की जहां पे अभी मैं हूं यहां पे ऊपर शायद कुछ है। घंटे की आवाज आ तो रही है यहां पे हल्की फुल्की सी। ओह बॉय, बोलो आ जवाब, आ जाओ, आ जा आ जा आ जा। मैं पहले देख चुका था किस किस चीज से डरता है ये। कितने बचे मेरे पास? 5, बढ़िया। ओह वेट अ सेक, ये भी तो है दमदार। मास्टर ऑफ द, मर गया क्या ये? मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट, गुरुराने की आवाज आ रही, मरा नहीं। भाग गया डर के। देखो एक बात बताओ आपको, अटल सत्य जो है हर बार का किसी भी सीरीज का, अगर आपने किसी को मारा है घायल किया है तो ये मत सोचना कि चला गया, उसे दोबारा मुलाकात होगी और खतरनाक तरीके से होगी, तो इससे भी तो होने वाली, बट यहाँ ने कहीं और होगी। बट अच्छी बात है कि मैंने मोलोटोव बना रखे थे बहुत सारे। अच्छा हाँ मैंने क्राफ्ट किए थे ना वहाँ पे, लेट मी चेक अगर मैं दोबारा यहाँ कर पाऊँ क्राफ्ट, तो मुझे याद नहीं कि इससे क्राफ्ट हो पाता है कि नहीं, बट स्टिल आई शिट नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हो सकता है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है बढ़िया।
ने इसको तो पूरा ध्वस्त कर दिया। यहां से जाने का रास्ता अब वेट की हालत खराब हो रही है और सेफ हाउस ये एक सेकेंड नो फ्यूल ओके नो प्रॉब्लम। ये नहीं समझना कि उनकी आवाज हमारे पास आ रही। रीजन उसका ये है कि हमारी रेडियो खराब हो चुकी है राइट, तो हम उनको सुन तो पा रहे हैं, मतलब खराब का टूट गई है, हम उनको सुन तो पा रहे हैं बट यहाँ से बोल नहीं सकते, उनको बता नहीं सकते कि यहाँ हम ठीक ठाक हैं। बट मिलर ऐना को समझा रहा है कि नहीं वो बड़े बच्चे हैं, उन टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उन्हें, बस तुम अपना ध्यान रखो। एक सेकंड एक सवाल पूछूं, ये लाल रंग का डब्बा किस सीरीज में मिलता है जिसमें अनलिमिटेड फ्यूल होता है जो कभी खत्म नहीं होता? ये लाल रंग का डब्बा किस सीरीज में मिलता है हमें पेट्रोल भरने के लिए बट कभी खत्म नहीं होता, अनलिमिटेड होता है? मैं पहले क्राफ्टिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद निकलेंगे, बिकॉज हो सकता है कि जब मैं रेडियो वहां पे ऑन करूं तो शायद आगे बढ़ जाए कटसीन वगैरह और मुझे मौका ना मिल पाए, कौन जानता है। खत्म हो गया सीरियसली बॉय, लास्ट वाले जगह पे मेरे पास बहुत सारे थे, 800-900 के आसपास थे। खैर कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, हथियार क्लीन हो गया एटलीस्ट। कंपास, ब्रेसर, एनिमल अटैक से बचाने के लिए है। ओके नॉर्मल एक्शन शुड हेडिंग, नहीं मैं ये यूज नहीं करूंगा बिकॉज हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे तो वो हम रास्ता खुद ब खुद खोज लेंगे कौन सा है। मोस्टली स्कैनर लेके चलते हैं बिकॉज हम पता रहे कि आसपास अगर कोई हो तो हमें पहले क्लियर हो जाए। एनवीडी एम्पलीफायर, इसके बारे में पूछा था किसी बदतमीज ने, एक ने भी कमेंट नहीं किया इसको लेके, मेरे पास ऑलरेडी है ये, किस लिए था? मे बी रात में टॉर्च जले तो रात में क्लियर दिखाई दे उसके लिए। खैर जो बनाना था हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से, इंतजार नहीं कर सकते, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बीवी की हालत खराब है। उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ओह फ्रीज ड्रिफ्टर, मैं वही हूँ जिसको आपने बचाया था। Though I bet you don't remember who drugged you out of the water. My name is Olga, by the way. Olga, nice name. Hi. Was it you fighting the master of the forest? Awesome. Our hunters had been staying away from him for years. Master of the forest. Damn it. Sorry, teacher. The locks all rusted up. Your friend Alyosha is already at the dam. He said your cardinal won't wait, so you don't have much time. Sorry, I can't take you there. At today's council session, the pirates moved to attack your train, but they had no right to even call one without me present. As usual, I need to go and sort this out. But I have a few minutes to give you some directions. You need a boat to get to the dam.
And our pirates keep all the boats at their swamp camp. They are not the sharing kind. But that's no reason to attack. Nobody wants bloodshed. So just stay out of their sight. All right, miss. Take the road to the barricade. Go down to the swamp and find the dock. That's where Alyosha and I took the boat from. Teacher, forgive me. There are some left, but be careful. Well, Drifter, take care. And don't make me sorry I helped you people. Tell Alyosha I said hi. Yeah, baat hai, bade acche se jante ho usko. I'll stay a bit longer to tend to the grave of the teacher. All right. Main aapki puja sadhana ke beech mein nahi aaunga. लेकिन हाँ, मैडम ने कहा कि हमें बोट चाहिए होगा लेके जाने के लिए, और एक बात और क्लियर हो गई यहाँ से कि मैं पायरेट्स को भी नहीं मार सकता, यानी जो पायरेट्स और पैनियर दोनों को मैं हिट नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन बैंडिट्स जो है थक्स उनको मैं मार सकता हूँ. लेडी, आई एम रियली सॉरी आपसे बात करने का, काश मेरे पास वक्त होता मैं बात कर पाता, लेकिन मेरे पास है नहीं. डू लेट मी नो कि मैं taught us how to survive in the forest. If not for him, मैं समझ नहीं पा रहा निकलना कैसे यहाँ से. Little confused. Okay, got it. I'm really sorry. आपको सुन नहीं पाऊँगा. मुझे निकल जाना होगा. I'm really sorry. दोस्त आपसे बढ़ के है. चलो आ जाओ. अभी वो बोल ही रही. अपनी कहानी बता रही है. लेकिन उन्हें क्लियर कर दिया था कि किसी को किसी को हिट नहीं करना. हम नहीं चाहते यहाँ पे खून खराबा हो, तो आई विल मेक श्योर कि ऐसा ना हो. ओके, लेट मी चेक द मैप ना. ये रास्ता मैं यहां, ये रास्ता मेरे मिशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्टिल मैं जाके कुछ बटे लोग मेरे ऊपर फाइट कर रहन दो यार, छोड़ो यार, दो दिन का वक्त है. मैं मुझे पता है इतना छुप छुपा के छोड़ ही जा पाऊंगा. फाइट होगी फिर मारना पड़ेगा. वैसे ट्राई करते हैं, मजा आएगा. आ जाओ. मैं यहाँ कंफर्म नहीं हूँ मैं किसकी जान ले सकता हूँ किसकी नहीं, बट जरा देखो एक बार, इन्होंने जला दिया है इसको पूरा, और किसी इंसान को मार के जला के टांग दिया है. तो आपको लगता है कि अच्छे लोग होंगे? नहीं, ये पैनियर लग रहे हैं, नहीं ये पायरेट लग रहे हैं मुझे, ये बैंडिट लग रहे हैं थक्स, जो जिनको मार सकता हूँ, बदमाश जो हैं. तो मैं यहाँ पर किसी को बख्शूंगा नहीं, और अगर इसके साथ बैड एंडिंग होती भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बट इनको जिंदा छोड़ना इज नॉट ए गुड आइडिया. यहां भी घूम रहा था. देख के लग रहा है मुझे अच्छे लोग नहीं लग रहे हैं ये. और अगर मैंने कोई गलती की तो फिर कोई बात नहीं. मैं पहले बोल रहा हूं, इसके बाद अगर बैड एंडिंग मिलती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये मेरा अपना डिसीजन है कि मैं ऐसे लोग को जिंदा ना छोड़ू. कोई कुछ लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे, कोई है. Wait a sec. What? आराम से हरा, क्यों बता रहे हो कि मैं आ गया?
कोई खड़ा यहाँ पे टंग गया, क्या हो गया उस, पता नहीं फंस गया वो शायद वहां पे। इजी बॉय, इनके पास गन नहीं है क्या? बिकॉज लूट चाहिए यहाँ पे, तो क्या मतलब बनेगा इससे आगे घूम रहे जब लूट ही नहीं मिलेगी तो। ऐसा भी लूट नहीं चाहिए कि मैं लूट लिया जाऊं आराम से। एक बात बहुत अच्छा है जो मैंने वो लगा रखा है अपने हाथों पे ना, पता चल रहा है कि आसपास कौन है कौन नहीं। उस तरफ है, यहाँ पे कोई नहीं है। आइटम तो बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे, आना आना गलत नहीं हुआ। कोई है यहाँ पे शायद, यहां तक पहुंच नहीं रहने दो। उनको डेड बॉडीज मिल गई हैं शायद। अब देखो जरा आप ये देख रहे हो, ये हालत जो होकर रखे हैं, लगता है ये इंसान यहाँ पे ये ढंके हैं। एनीवे अच्छा, स्नाइपर हेलो, मैं आता हूं इन लोगों को उड़ा के। रिलैक्स बेबी, मैं आऊंगा। गुलाटी मार के सीधा ऊपर। अगर एक गन मैं उठा लूं तो मेरे पास दो गन हो जाएंगे, राइट? ये शिट शिट शिट, कमर सामने आ जा। बाबा रे बहुत सारे हैं ये। नाइस वन। ओ ये हुई दमदार गन ना, खतरनाक। अब बढ़िया बढ़िया आइटम मिल रहे हैं यहाँ पे, अब लेते हैं इनकी। अरे शिट, थोड़ा सा गलती से हिला वो। ये नहीं गलती से हिला था, अच्छे से हिला था। पागल है क्या? उसे गोली पड़ गई क्या? मैंने मारा भी नहीं शायद। पता नहीं शायद।
लगी ना? ये गन चेंज नहीं करूंगा, अच्छी गन है ये, बस पार्ट्स ले लेते हैं। मैं आ रहा हूं बेबी, रिलैक्स। आई एम सॉरी मेट, आई थिंक अभी मैंने क्लियर नहीं किया एनिमीज को। मैं वापस आऊंगा, डोंट वरी। हाँ हाँ मैं आऊंगा पक्का, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार जिंदा जला दिया इन्होंने, कितने बुरा, क्या कहूँ मैं। मंजूर है, बैड एंडिंग मंजूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचे खिलोगे कि गेम में आगे क्या होने वाला, एंड को सोच के कभी आप इंजॉय नहीं कर पाओगे यार, ये नहीं होता सीरीज ना। आप अपने तरीके से खेलो, अपने फन से खेलो, आगे जो का देखा जाएगा। खैर लूटते पाटते फिर निकलता है। हे मैन, एक एक गन हो गई। मैंने कुछ आइटम लूट, पहले कुछ मारते हैं उसके बाद देखेंगे, ठीक है? रुक जाओ अभी और है ये। यहां मैंने लाशों की ढेर लगाई थी, याद है वो मूवी धमाल लास्ट द ढाबा, मैंने वहां यहां पे वही बनाया था। तो पहले इनको लूट लेते हैं उसके बाद वहां जाएंगे, शायद कोई और यहां छुपा हुआ हो, क्या मालूम। देखो कोई है, कितने प्यार से कितनी शालीनता से बुला रहा है, मतलब तो मिलना तो पड़ेगा ना आराम से। ओए ओ ओ हो हो हो, कहां चला रहे हैं लोग गोली। Easy, okay? All right. Just chill, man. We're cool. Okay. We're cool. Great. Great. बढ़िया लूट मिली यहाँ पे दमदार। आ रहा हूँ मैं, वो चिल्ला रहा उधर हेल्प के लिए। कहाँ चल, गन कहाँ है तुम्हारी? ऐसे खड़े रहो, आते हैं। वेट अ सेक, देख एक बार मैप। यहां दिखा रहा है कुछ, देख रहे हो यार जगह जगह क्या बुरी हालत कर रखी है उन्होंने। वो चिल्ला रहा है प्लीज है। ओ पायनियर है वो पायरेट वो लगा था मुझे पहले, मैं बचा रहा हूं उसको जाके ना अभी तुरंत, बस एक बार देख लू यहां पे कुछ हो ना। यहां से हम ऑलरेडी घूम चुके हैं। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। Hey man. So you're not one of them, I see. अगर ये नॉट वन ऑफ देम बोल रहा तो इसका मतलब अगर वो सारे वो थे बैंडिट थे फिर तो मजा आ गया, और अगर कहीं वो नहीं थे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टिल जो भी है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बस बहुत हो गया यहाँ पे घूम लिए, निकला जाए। हाँ अगर यहाँ कुछ छूटा होगा तो आई डोंट नो मैन। खैर यहाँ ना सार्थक हुआ, एटलीस्ट एक गन मिली बढ़िया वाली, स्कोप मिला अच्छा सा। अब यहाँ से निकलते हैं, वहाँ लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैं तो थक गई भाई साहब। वेट, ऊपर कोई वो नहीं है ना क्राफ्टिंग टेबल, बिकॉज थोड़ा सा हेल्थ आइटम क्राफ्ट, वैसे तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ शायद। मैं यहां से होके आगे बढ़ा था, इस तरफ जाना था मुझे। ओके अब मालूम चल चुका है लेउशा अगर सेफ है तो फिर कितना परेशान क्यों ना उसके लिए, राइट।
अब अगर ओल्गा बोल रही है इतनी खुशी से उसके बारे में, तो खुशी होगा वो क्यों टेंशन लेना। और ओ, नहीं, मेरे पास आइटम्स हैं इसके, मैं ये ले लेता हूँ। बहरहाल थोड़ा वो करते हैं, पहले चीज़ें क्राफ्ट करनी होगी। मेडिकिट मेरे पास नहीं है, 5-20 चाहिए। पहले इसको रहन दो अभी, 3 ऑलरेडी है, बहुत है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, गन की बात करो जरा, एक मिनट, कुछ नई चीजें मिली थी, कहाँ गई वो? रेड लेजर चलेगा, नाइट विजन मत लगाओ इस पे। ये जो गन है जो मैं अभी लेटेस्ट मिली हुई है, इसको देखते हैं, इसमें ये लगा सकता हूं मैं, ये वाला स्नाइपर ग्रिप। असॉल्ट नहीं, स्नाइपर की तरह यूज करते, स्नाइपर ग्रिप लगाते हैं, मजा आएगा और देख के अच्छा भी लग रहा है, ये स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ ये लगा लो, और इसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी थोड़ी सी, बट लॉन्ग बैरल लगाने से डैमेज बढ़िया हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़े। हाँ ये लगाओ ना, 6x स्कोप लगा हुआ है रहा है, तो बढ़िया है, ठीक है, नाइस, वेरी गुड। अब अगर कुछ हमें वो मिला, वैसे मिल तो सकता है, चाहूँ तो वापस जाके मैं वो कर सकता हूँ, उसको क्लीन कर सकता हूँ गन को, बट रहने दो अभी, आगे बढ़ते हैं, राइट, मैं उसको सेव कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, मजा आएगा, लेकिन बढ़िया था ये, दमदार। लेट मी चेक द, मैं एग्जैक्ट जा रहा हूँ वहीं पे जहाँ मुझे होना चाहिए था। अच्छा अब बेड, टाइम कितना हो रहा है? 3:50। एक काम करते हैं, सो लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, बस सुबह सुबह के वक्त, बिल्कुल वक्त, क्योंकि ऐसा ना हो कि एलिशा खोजूं शाम हो जाए फिर, मैं ऐसा नहीं चाहता, दिन के वक्त निकलते हैं। बढ़िया लग रहा है। आपने एक चीज नोटिस किया था, मैं बताता हूं क्या बोलना चाहता हूं। लास्ट वाले एपिसोड में जब हमने मिशन फिनिश किया था तो लगभग रात होने वाली थी, रात हो रही थी, लेकिन जब आपने ये एपिसोड देखा तो उसी जगह खड़े थे, बट दिन हो गया था। उसका रीजन है, रीजन ये कि मैं उसी जगह पे खड़े होकर वेट कर रहा था कि सुबह हो जाए फिर निकला जाए ना रात की वजह से। तो एक चीज़ मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जो यहाँ पे टाइम होता है वो इस तरह से काम करता है कि हमारा जो हमारा 5 सेकेंड होता है इनके 1 मिनट के बराबर है। तो अगर इस तरह से आप घंटे, यानी कर मैं ये मान लूं कि सुबह के, इतना कंफ्यूज मत हो, धीरे सीधे सीधे बात करते हैं। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अगर मैं बोलूं कि पूरा एक दिन होता है 12 घंटे का, तो वो हमारे रियल वर्ल्ड के 1 घंटे के बराबर है। यानी अगर मैं दोपहर में 12 बजे गेम खेलने बैठता हूँ इनके सुबह के 7 बजे अकॉर्डिंग, तो मेरा जैसे ये दोपहर के 1 बजेंगे रियल वर्ल्ड में, इनके शाम के 7 बज चुके होंगे, ये मतलब कहने का है, सिंपल एज दैट। वेट अ सेक, चलते हैं मुलाकात करते हैं अलोशा से। अरे किसी बोट की बात हुई थी यार, वो मुझे बोट चोरी करनी है ना यहां से, और बिना किसी को मारे। Take him down. Man, come on, come. Don't do this, man. That's a bad idea. Don't do this. अरे बदतमीजी कर रहे हो क्या मुंशी जी? मना कर रहा हूँ उसके बाद भी। रुको जरा, पढ़ने आया था मैं। Because I need to try and steal a boat from the pirate camp. Pirate camp है ये, समथिंग को मार नहीं सकता मैं। अच्छे लोग हैं बेचारे। वो बात अलग है, गोली चला रहे हैं। मैं जा रहा हूँ वापस। मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा पगले, नहीं आ रहा। मैं इधर जा रहा हूँ, पता नहीं क्या इधर।
वो ओके आराम से। चला जाए, देखा जाए क्या है यहाँ पे, चलते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत मेरे दिमाग में घूम रही है कुछ घंटों से और मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसके आगे क्या था, जरा बताओगे अगर आपको याद होता है, आपने कभी सुना हो तो। फिल इन द ब्लैंक्स करके कुछ है, मतलब ब्लैंक्स आविष्कार की जननी होती है। पहले ब्लैंक्स में क्या आएगा, जिज्ञासा, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, कुछ है वर्ड मुझे माइंड में घूम रहा है बार बार, मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की, नहीं याद हो रहा है क्या है वहां पे एग्जैक्ट की जननी होती है। ओ घूम के वही आ गया क्या, अरे हाँ शायद वही है, नहीं दो तरीके से काम कर सकता है यार मैं, बहुत देर वेट करूं ये साइलेंट होने का फिर आराम से घुसू बोर्ड चुराऊं, या फिर इसी धड़धड़ाते हुए घुस जाता हूं बोर्ड लेके भाग जाता हूं, ये कर सकता हूं मैं। अरे नहीं 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 डरना नहीं आता मुझे, स्नाइपर बैठा हुआ जहां से मार देगा अगर इससे सामने गया तो। हे मैन एग्जैक्टली बोट है कहां पे, ठीक जा रहा हूं बस सामने की तरफ कहीं इस तरफ बोट है कहीं। आहा ऑलराइट पहुंचने वाला हूं, संभाल के थोड़ा सा और। ये कौन सा नाव है, इसको उठा लो ना, खैर ना मैन डोंट डू दिस। Where's that boat? Damn it! ये रहा। कैसे लूं जाके उसको?
बहुत खतरनाक है लोग। जल्दी से हेल्थ क्राफ्ट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। तुमको पता मैं कहाँ पे हूँ, तुमको बोर्ड देखो कहाँ पे है। इस तरफ कहीं पे, बिल्कुल ठीक, मैं बहुत पास हूँ। क्या है? तो आजा पकड़ ले। आना। बोट। रखा कहाँ है वो? रसना ब्रदर। सर ये बोट किधर है? हाय 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 हाय। मैं बोट के आसपास ही घूम रहा हूँ कहीं पे, बट कहाँ है मुझे पता नहीं। लुकी लुकी बेबी। सो डाउन करना था, ओके हो गया। Now what about the boat? चुप हो जा। अरे मारो उसे, मर जाओगे पगले। फूफा जी नहीं तुम्हारे वो। तो सामने निशाना लेके बैठा हुआ। बाय बाय। हे बॉय। चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, पढ़ रही है पढ़ रही है। थोड़ा जलाओ ना ये लाइट, सुबह मेंटेन हो। एक बार निकल लेते, जान बचा ले फिर मेंटेन करेंगे। वाओ। बस यहीं तक आना था बोर्ड से, हो गया। ओके। ये आवाज कैसी है? यहाँ पे हल्का फुल्का रेडिएशन है, बहुत ही हल्का सा। मुझे यहाँ पे मास्क लगाना पड़ेगा। खैर वेट, एक मिनट ही देखते पहले। मुझे फाइंड करना होगा इस स्वाम्प से बाहर निकल के रोड पे जाने कोई रास्ता जो डैम की तरफ जाता हो। मुझे ये लंबर मील है सामने, उसको लंबर मील हो जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती ना, वो उसे चेक करना होगा। सो लंबर मील फाइंड करेंगे, चेक करेंगे, मे बी वहाँ पे कोई और बोट हो, उसके बाद हमें रास्ता मिल जाए डैम की तरफ जाने का, जहाँ मिलेगा हमें अल्योशा, जो आप देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो बताना यार, और आई होप कि आप सब्सक्राइबर कर रहे हो। पता नहीं कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, कर रहे हो तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं यार, क्यों रुके हुए वहीं पे हम? आप लोग कह रहे हो कर रहे हो, फिर समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यार। कभी कभी सोचता हूँ कि बाकी लोग की तरह मैं भी लिख दूँ वहाँ पे कि नेक्स्ट वीडियो आफ्टर इतने सब्सक्राइबर्स, फिर तो मेरी वीडियो कभी आएगी नहीं। फिर तो आप अटक जाएंगे एक जगह पे यार। चलो करो जो आप कर रहे हो, लेकिन अच्छे से करो, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। हाँ छोटा सा ब्रेक होगा इसके बाद शायद, मे बी एक दो दिन का, ज़्यादा नहीं, तो उसके बाद वीडियोज आएंगी। थोड़ा सा पॉज हो सकता है, ठीक है, चांसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे थोड़े चांसेस हैं, ठीक है। चलिए मुलाकात करता हूँ आपसे, लव यू सो मच, बाय बाय बाय।